हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम लेकर आए हैं एक और नया वीडियो जिसका नाम है कोडिंग इक्वेशन। ये कोडिंग डिकोडिंग का ही टाइप है। उस टाइम पे हमने इसको मिस कर दिया था, हम भूल गए थे वीडियो बनाना, लेकिन जैसे याद आया मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाना शुरू कर दिया। कोडिंग डिकोडिंग का जो क्वेश्चन था, टाइप था, यानी कोडिंग इक्वेशन, इसका क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। एग्जाम चाहे छोटा हो बड़ा हो, कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम हो, चाहे वो BSTC का हो या SSC लेवल का हो, सभी तरह के लेवल के अंदर ये एक वाला क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। इसके अंदर ज़्यादा कुछ समझाने का तो नहीं है, लेकिन एक जो नियम है वो आपको जरूर याद रखना है, वो है बोर्ड मास। बोर्ड मास का अर्थ क्या होता है? बी से होता है ब्रैकेट, यानी छोटे बड़े कोष्टक जो भी हो, पहले छोटा कोष्टक होता है, फिर मझला कोष्टक होता है, फिर बड़ा कोष्टक होता है, पहले ये सोल होते हैं। इसके बाद में ऑफ का तो कुछ अर्थ नहीं होता है, लेकिन डी का मतलब होता है डिवाइडेशन, यानी डिवाइड यानी भाग करना। फिर इसके बाद में एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब होता है एडिक्शन, और एस का मतलब सब्सट्रैक्शन यानी माइनस। यानी इस वाले क्वेश्चनों में जब उनके अंदर सिंबल्स दे रखे होंगे तो सिंबल्स को साइन में कन्वर्ट करना होता है। पहले सिंबल को, जिसे मान लो वो कह देगा कि डॉलर को प्लस कहते हैं, डॉलर को प्लस कहते हैं, तो पहले सिंबल्स को साइन के अंदर कन्वर्ट करना होगा। कन्वर्ट करने के बाद में एक इक्वेशन बनेगी, और उस इक्वेशन के अंदर सारे चीज मिलेंगे, भाग गुणा जोड़ घटाव, तो उसको बोर्ड मास के नियम से सोल्व करना है। तो पहले क्या सोल्व करेंगे? पहले भाग वाली संख्या सोल्व करेंगे, फिर गुणा वाली, फिर जोड़ की, फिर माइनस। तो दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखना है, आखिर तक बने रहना है, आपको वीडियो में बहुत मजा आएगा क्योंकि आपको नए नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करना, बेल आइकन दबाना ना भूले, इससे आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन दे रखे, यदि तो इसने कहा है कि यदि प्लस का अर्थ, ये प्लस को माइनस कहते हैं, है ना, प्लस का अर्थ प्लस का अर्थ माइनस है, प्लस का अर्थ माइनस है, और माइनस का जो अर्थ है वो क्या है, माइनस का अर्थ दे रखा है गुणा, फिर कह रहा है गुणा का जो अर्थ है, गुणा का अर्थ भाग है, और भाग का जो अर्थ दे रखा है इसने वो कह रहा है प्लस। अगर हो तो हमें बताना है, एक इक्वेशन दे रखी है 25 × 5 + 30 + 8 − 2 = क्या होगा। ठीक है, और ऑप्शन भी दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 15, बी दे रखा है 18, सी है 19, और डी ऑप्शन दे रखा है 54। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। अब देखो इसको करना क्या है, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि यहाँ पर हर साइन को चिन्ह दे रखे ना, उनको बदलना है, प्लस को बनाना है माइनस। तो यहाँ पर प्लस दे रखा है, देखो ये दे रखा, इस प्लस को चेंज करना है किसमें, माइनस में। फिर कह रहा है माइनस को क्या करना है, गुणा करना है, जहां माइनस दे रखा है वहां पे क्या करना है, गुणा का चिन्ह बनाना है। फिर गुणा को बनाना है भाग, इस गुणा की जगह चेंज करना है और भाग चिन्ह बनाना है, और भाग की जगह बनाना है प्लस, इस भाग को हटा के यहाँ प्लस बनाना है। तो ये चेंज क्या हो जाएगा, ये 25 × 5 + 30 − 8 × 2 बन जाएगा, बराबर क्या होगा, गुणा को भाग बदल दिया, भाग को प्लस में चेंज कर दिया, प्लस को माइनस कर दिया, और माइनस को गुणा कर दिया। तो बोर्ड मास का नियम हमें पता होना चाहिए। बोर्ड मास सबसे पहले डी यानी भाग होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन का मतलब गुणा होता है, मल्टीप्लाई, ए मैंने जोड़ होता है, और एस का मतलब माइनस। तो सबसे पहले भाग करना है, तो भाग की दो संख्याएं देखो, ये दो संख्या दे रखी है, आगे वाली में से पिछली संख्या का भाग देते हैं, तो 25 में 5 का भाग दिया तो कितना हो गया, 5 × 25। इसके बाद हम क्या करते हैं, गुणा, अब गुणा के लिए दोनों संख्या दे रखी है, 8 को 2 से गुणा कर लो तो 16 ही हो जाएगा, तो प्लस का 30 माइनस का 16, इन दोनों को जोड़ो कितना हो गया, 35 − 16। अब घटाओ, 35 में 16 घटाओ कितना बच जाएगा, 15 × 6 = 9, और 2 × 1 = 1, यानी 19 जो है ये अपना राइट आंसर होगा। ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट होगा। ठीक है, इसमें ये कह रहा है यदि प्लस का अर्थ भाग है, देखो इसने ये कहा है कि प्लस का जो अर्थ है, प्लस का अर्थ क्या है, भाग, और माइनस का अर्थ प्लस है, माइनस का अर्थ क्या है, प्लस, गुणा का अर्थ माइनस, गुणा का अर्थ है यहाँ पे माइनस, और भाग का अर्थ गुणा,
भाग का जो अर्थ है वो क्या है, गुणा है। तो हमें बताना है 8 भाग चिन्ह 4 माइनस 6 प्लस 3 गुणा 4 बराबर क्या होगा, ठीक है। और ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन फर्स्ट में है 4, बी में 14, सी के अंदर 28 और डी में 30, ठीक है। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों में करना क्या होता है कि यहाँ पर जो साइन दे रखी है ना, ये एक्चुअल साइन है ही नहीं है। इसने ये कहा है कि प्लस को भाग बनाओ, तो जहाँ भी प्लस दे रखा है, प्लस कहाँ है, यहाँ पर, इसकी जगह क्या बनाना है, भाग का चिन्ह बनाना है। और माइनस को बनाना है प्लस, ये माइनस रहा है यहाँ पे, तो क्या बनाएंगे, प्लस बना देंगे। गुणा को माइनस, जहाँ पे गुणा है उसको क्या बनाएंगे, ये माइनस बन जाएगा। और भाग की जगह क्या बनाना है, गुणा, ठीक है। यानी ये क्या हो गया, 8 गुणा 4 प्लस 6 भाग 3 माइनस 4। अब इसके बाद में लगाना है हमें बोर्ड मास, बोर्ड मास। तो पहले पहले डिवाइड करना है, यानी भाग करना है। तो भाग देखो क्या करेंगे, यहाँ पे 6 में 3 का भाग दिया तो कितना हो गया, 2। तो ये इक्वेशन क्या बन गई, 8 गुणा 4 प्लस, देखो 6 में 2 का भाग दिया, 3 का भाग दिया तो कितना गया, 2 बन गया। और फिर ये माइनस का 4। अब क्या करना है, गुणा करना है, तो गुणा कर लो, 8 चौक कितने हो गए, 32 प्लस 2 माइनस 4, 32 दो कितने हो गए, 34 माइनस 4 तो कितने बच गए, 30 जो है ये अपने आंसर हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों देखो अगला क्वेश्चन है, इसने ये कहा है कि पी का अर्थ प्लस है, इसने बोला है कि पी का अर्थ प्लस है ना, पी का अर्थ क्या है, प्लस है। और क्यू का अर्थ क्या है, क्यू का अर्थ गुणा है। आर का अर्थ है, आर का अर्थ है भाग, और एस का जो अर्थ है वो इसने बताया है माइनस, ठीक है। तो पी को प्लस कहता है, क्यू को गुणा, आर को भाग और एस को माइनस कहता है। तो हमें बताना है, यहाँ पर एक इक्वेशन है 44 क्यू 9 आर 12, उसके बाद में एस 6 क्यू 4, क्यू 4 के बाद में 60 बराबर क्या होगा, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन दे रखी है और इसके हमें केवल साइन चेंज करने हैं, जो अल्फाबेट दे रखे हैं इनको बदल के इनकी जगह पर इनके साइन दिखाने हैं, ठीक है। तो देखो इसने कहा है कि पी का अर्थ प्लस है, तो जहां पर भी अल्फाबेट आएगा वो चेंज करना है। तो 44 का 44 देखा, क्यू, अब देखो क्यू कहां पर दे रखा है, ये देखा क्यू, क्यू को क्या बोल रहा है, ये गुणा, तो गुणा आ गया और ये 9 का 9। फिर आर को क्या कह रहा है, आर क्या है, भाग, तो ये भाग का चिन्ह लगा दिया और फिर 12 दे रखा है। फिर एस कह रहा है, तो एस कहां पर है, ये एस को माइनस माइनस, फिर 6 और क्यू, क्यू को अभी दिखा पड़ने, गुणा, फिर 4, फिर 4 और 16 के बीच में इसने पी दे रखा है ना, 4 पी 16, फिर पी दे दिया, तो पी को क्या बोल रहा है, पी को प्लस, और फिर 16 बराबर क्या होगा, ठीक है। तो हमने क्या क्या है, केवल क्यू को चेंज किया, आर को चेंज कर दिया, एस को बदला, फिर क्यू को बदला और पी को बदल दिया, ठीक है, साइन चेंज कर दिए जो अल्फाबेट थे उनकी जगह। अब देखो बोर्ड मास में क्या कहता है, सबसे पहले क्या कहते हैं कि सबसे पहले भाग की संख्या में सॉल्व करो। अब भाग की संख्या ये दोनों है ना, तो 44 का 44 लिख दिया, गुणा का लिख दिया एक्सरसाइज। अब 9 भाग चिन्ह 12, अब देखो 9 में 12 का भाग नहीं जा रहा है, तो कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं कि अगर ये 12 भाग चिन्ह 3 होता, आगे 12 होते हैं पीछे 3 होता, तो क्या करते हैं, 12 बटा 3 ही करते ना, और 3 का भाग 12 में देते 4 बार। तो इसी प्रकार यहाँ भी ऐसा ही करना है, यहाँ भी क्या करना है, ये 9 दे रखा है, तो 9 में हमें 12 का भाग देना है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो 9 बटा 12, फिर क्या दे रखा है, माइनस 6 इंटू 4 दे रखा है, तो 6 इंटू 4 लिख दिया, प्लस का 16 लिख दिया, बराबर कुछ भी नहीं, ठीक है, याद करना है। अब देखो 4 से कट रहा है ये 3 बार, 4 से कट गया ये 11 बार, ठीक है। इसके बाद 3 से कट रहा है कितनी बार, ये 3 बार, तो बचा क्या, 11 इंटू 3 किया तो कितना हो गया, 33, माइनस 6 को 4 से गुणा करेंगे क्योंकि उसके बाद गुणा ही होगा, 6 चौक 24 और प्लस का 16, तो ये संख्या माइनस की, तो दोनों को जोड़ लो, 6 और 3 कितने हो गए, 9, 3 और 1 कितना हो गया, 4, इसमें से घटाना है 24, 9 में से 4 गए तो कितने बच गए, 5, और 4 में से हो गया तो 2, कितना आया, 25। अब देखो ऑप्शन क्या है, अच्छा ऑप्शन लिखे नहीं अपने, तो ऑप्शन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है 25,
सेकंड दे रखा है 112, थर्ड दे रखा है 36 और फोर्थ दे रखा है 124। तो क्लियर है 125 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस चिन्ह को परस्पर बदलने पर, मतलब यहाँ पर कोई चिन्ह बदलने में निम्नलिखित समीकरण सही होगी। समीकरण दे देखिए 64 भाग चिन्ह 8 प्लस 9 गुणा 8 बराबर 64 है ना। ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन है प्लस और माइनस को बदलो, सेकंड ऑप्शन दे रखा है भाग और गुणा को बदलो, थर्ड ऑप्शन है प्लस और भाग को बदलो, और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है माइनस और गुणा को बदलो। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन हमें दे रखा है यहाँ पर इसका टोटल आना है हमें 64 लेकर आना है, और ये कह रहा है कि यहाँ पर दो चिन्हों को बदलना है। इसने कहा है कि किसी किस चिन्ह को परस्पर बदलने पर, यानी किन्हीं दो चिन्हों को परस्पर बदलने पर इसका जो सॉल्यूशन है वो कितना हो जाए, 64 हो जाए। ठीक है, तो देखो क्या करना है। सबसे पहले इसने कहा है कि प्लस माइनस, तो यहाँ पर देखो प्लस है पर माइनस तो है ही नहीं, है ना, तो ये वाली कंडीशन तो लगेगी नहीं। और यहाँ पे देखो फिर दे रखा है भाग और गुणा, तो ये भाग यहाँ दे रखा है तो मान लो मैं इसको गुणा कर देता हूँ, और गुणा को क्या करना है, इसने कहा ना गुणा भाग और गुणा को आपस में बदल दो तो ये भाग बन जाएगा। तो ऐसे करके देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे गुणा की जगह भाग लिखता हूँ तो 9 में 8 का भाग जाएगा ही नहीं, यानी ये वाला भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। अगला ऑप्शन, अगला और तीसरा ऑप्शन प्लस और भाग को चेंज करो, तो ये भाग की जगह तो कर दो प्लस और इसकी जगह कर दो भाग। ठीक है, तो देखो क्या ये कंडीशन पॉसिबल है। अच्छा, ये इसमें माइनस दे रखा है तो, और माइनस गुणा, तो यहाँ पर माइनस नहीं है ना, तो ये वाला भी लगेगा। कुल मिला के यहीं पे इसी से कुछ होने वाला है। ठीक है, तो करेंगे क्या, देखो वैसे तो यहाँ पर भी 8 में 9 का भाग नहीं जा रहा है, लेकिन क्या करेंगे कि इसने ये कहा है कि 64 और 8 को प्लस कर दो, भाग के लिए क्या करना है, प्लस करना है। अगर मान लो मैं इसको कोष्टक में लिख दूँ तो ये क्या बनेगा, 64 प्लस 8 बन जाएगा, फिर भाग का चिन्ह हो गया और 9 गुणा 8 बराबर 64। अगर ये कंडीशन ये वाली होती तो पहले तो ब्रैकेट ही सोल्व होता है ना, तो ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो 64 और 8 कितने हो गए, 72 हो गया, 72 भाग चिन्ह ये 9 गुणा 8। अब पहले भाग करो, तो भाग करेंगे तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 में भाग दूंगा, 72 में 9 का भाग दिया, 8 × 72 और ये तो भी कितना है 8, यानी 8 को 8 से गुणा किया तो कितना हो गया 64। ठीक है, यानी अपना जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। तो देखो अगला क्वेश्चन है और इस बारे कह रहा है कि यदि बराबर का अर्थ प्लस है, जहाँ बराबर दे रखा है वहाँ पर बराबर का अर्थ हमें क्या लिखना है, प्लस करना है, बराबर की जगह पे प्लस करना है, और भाग का अर्थ है माइनस, भाग की जगह क्या करना है, भाग की जगह करना है माइनस। फिर कह रहा है ये दे रखा है, देखो ये साइन जो है ये छोटे का साइन है, यानी छोटा, छोटे का अर्थ क्या है बड़ा, छोटे की जगह बड़ा बताना है, प्लस का अर्थ बराबर करना है, प्लस का अर्थ क्या करना है, प्लस का अर्थ करना है बराबर, प्लस का अर्थ हो गया बराबर, और माइनस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ क्या हो जाएगा, इसने कहा है माइनस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ भाग हो गया, गुणा का अर्थ है छोटा, ये जो गुणा का अर्थ है ये क्या है छोटा दे रखा है, और बड़े का अर्थ दे रखा है गुणा है, तो निम्नलिखित विकल्प में से गलत विकल्प में बताना है। देखो चार विकल्प दे रखे हैं, इन चारों में से जो गलत है वो बताना है। 6 = 3 बड़ा है कि 5 = 2 गुणा, अब 2 × 14 और फिर 2, विकल्प एक हो गया। सेकंड विकल्प दे रखा है 25 − 5 = 10 √3 फिर छोटा दे रखा है 25 √5 और थर्ड ऑप्शन दे रखा है 36 √60 − 10
बराबर 12, फिर छोटा दे रखा है, फिर 36 दे रखा है, बराबर 12, और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है 25 बराबर 15, माइनस 5 भाग 4, छोटा है 14 बराबर 4। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन थे। अब देखो चार ऑप्शन मैंने गैप क्यों रखा है, क्योंकि हमें इस पूरा क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, अब देखो ये साइन पूरे बदलने, बराबर को क्या करना है, देखो बराबर कहाँ देखा, ये बराबर का अर्थ क्या है प्लस, तो यहाँ पर क्या करेंगे 6 + 3 हो जाएगा। अब ये बड़े वाला चिन्ह देखो ये दे रखा है, ये साइन ये दे रखा है, इसका अर्थ क्या है गुणा, तो यहाँ पर गुणा लिख दूंगा मैं और ये 5 बन गया। फिर बराबर आ गया, बराबर ये क्या करना है प्लस करना है 2, और गुणा को क्या बदलना है, गुणा को बदलना है छोटे में, फिर 14, फिर बड़े का अर्थ क्या है गुणा, गुणा 2। ठीक है, तो देखो अब ये सोल्व करना है, यहां पर ये साइन दे रखा है, इसका मतलब ये हो गया कि 14 × 2 = 28 हो गया। अब 28 बड़ा होना, 28 से छोटा आना चाहिए, इधर के इधर का जो वैल्यू है छोटा होना चाहिए और 28 इधर का बड़ा होना चाहिए, तब तो ये सही है, अगर ये नहीं है तो गलत हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर पहले गुणा करेंगे तो 5 × 3 कितना हो गया 15, ये बन गया 15, अब 6 × 15 कितना हो गए 21, 6 × 15 21, 21 × 2 कितने हो गए 23। तो देखो ये छोटा है ये बड़ा है, तो छोटे की तरफ एरो लगा हुआ है, मतलब ऑप्शन ए तो क्या है अपना सही है। हमें बताना था जो गलत जो है, गलत विकल्प कौन सा है वो बताना है। ठीक है, तो पहला विकल्प अपना ये सही निकला है। सेकंड विकल्प, पहले सभी के चिन्ह बदलते हैं, माइनस को क्या कहते हैं, माइनस का अर्थ है भाग, तो 25 भाग चिन्ह 5, बराबर को क्या कहते हैं बराबर को प्लस कहते हैं, फिर 10 भाग को क्या कहते हैं, भाग को कहते हैं माइनस का 3, इस छोटे को क्या कहते हैं, इस छोटे का अर्थ होता है बड़ा, फिर 25 और भाग की जगह क्या लिखेंगे, भाग की जगह माइनस का 5। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पर ये वाला एरो इस जगह पर है, मतलब ये वाला छोटा होना चाहिए, ये वाला बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो सोल्व करते हैं, 25 में से 5 गया तो कितना हो गया 20। ठीक है, इधर का सोल्व करो, पहले भाग करेंगे कितना हो गया इसका अर्थ, 25 में 5 का भाग दिया तो 5 बार, 5 और 10 कितने हो गए 15, यानी 10 और 5 कितने हो गए 15। अब 15 में से 3 घटाओ, 15 में से 3 कितना बच गया 12। ठीक है, देखो क्या हो रहा है, ये जो वैल्यू है 25 में 5 का भाग दिया तो 5, 5 और 10 कितना हो गया 15, 15 में से 3 गया तो 12। अब यहाँ पर देखो ये एरो लगा हुआ है 20 की तरफ, ये एरो का मुंह जिसकी तरफ है वो संख्या छोटी होनी चाहिए, अब ये तो बड़ी है ना, यहाँ पर आना क्या चाहिए, ये आना चाहिए 12 छोटा है 20 से, इसको लेस देन बोलते हैं। अगर ये कंडीशन होती तो ये सही होता, अब इसने कंडीशन उल्टी दे रखी, मतलब ये वाला गलत है, और हमें क्या बताना है गलत विकल्प, यानी हमें नीचे का करने की सोल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें अपना आंसर मिल चुका है, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ये अपना राइट आंसर होगा, क्योंकि हमें गलत विकल्प बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये गलत विकल्प है, ये इसकी जगह ये आना चाहिए था। तो देखो एक और क्वेश्चन हम ले रहे हैं, यहाँ पर ये कह रहा है यदि यदि ये एरो दे रखा है, इस एरो का अर्थ जमा के लिए, इसका अर्थ जो है क्या है जमा, और ये वाला जो एरो है का अर्थ घटाओ, है ना, और ऊपर का जो एरो दे रखा है इसका अर्थ जो है ये भाग वाला है, और इसका जो अर्थ है गुणा दे रखा है, और ये जो तिरछा एरो दे रखा है का अर्थ जो है बराबर। ठीक है, ये 5 साइन दे दिए और उनके अर्थ दे दिए, जमा का मतलब होता है जोड़, घटाओ पता ही है, ये भाग हो गया, ये गुणा और ये बराबर। अब ये कह रहा है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है वो मैं बताता हूँ। तो पहला ऑप्शन देखो, ऑप्शन है 2, फिर नीचे एरो दे रखा है 4, फिर इस साइड में एरो दे रखा है फिर 6, फिर इस साइड में दे रखा है 2, और फिर तिरछा एरो दे रखा है 6। सेकंड ऑप्शन है 5, फिर नीचे की तरफ दे रखा है 7, फिर ये 4, ये 2 और ये दे रखा है 4। थर्ड ऑप्शन है 3, फिर 6, फिर 2 दे रखा है
ऊपर, फिर इस साइड में दे रखा है यहाँ पर तीन, फिर यहाँ पे छः दे रखा है और इसमें भी छः दे रखा है। अगला ऑप्शन है चौथा, सात, फिर चार, फिर दे रखा है तीन, फिर दे रखा है छः और एक और यहाँ पे चार। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन दे रखे हैं और हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सा कथन सही है। ठीक है, अब देखो करना कुछ भी नहीं है, यहाँ पर जो भी एरो दे रखी है उस एरो की जगह उनके साइन हमें लिखने हैं। तो देखो सबसे पहले दो दे रखा है, नीचे वाला जो एरो है इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है गुणा, तो दो गुणा चार। इस जो राइट साइड में जा रहा है, लेफ्ट साइड में जा रहा है, उसका अर्थ क्या होता है, ये दे रखा है माइनस छः। राइट साइड में जा रहा है तो इसका अर्थ क्या है, प्लस, तो प्लस का दो। और जो तिरछा जा रहा है ये वाला, इसका अर्थ क्या है, बराबर छः। तो इसको सोल्व करके देख लो छः आ रहा है कि नहीं। सबसे पहले गुणा करेंगे तो चार दो कितना हो गया, आठ, फिर आठ माइनस छः प्लस दो बराबर छः, तो आठ दो कितना हो गया, दस, दस में से छः गया तो कितना बच गया, चार, यानी चार बराबर छः आ रहा है। ठीक है, तो चार बराबर छः तो गलत है, यहाँ पर ये तो चार बराबर छः आता है, छः बराबर छः आता है, तो पहला ऑप्शन गलत है। सेकंड ऑप्शन, पाँच दे रखा है तो पाँच का पाँच, नीचे जो एरो दे रखा है इसका अर्थ क्या है, गुणा, अभी हमने गुणा लिखा था। फिर सात, राइट साइड में जो जा रहा है लेफ्ट साइड में वो क्या है, घटाओ है, तो ये घटाओ। फिर चार, इधर वाला क्या दे रखा है, इसका अर्थ है प्लस, तो प्लस दो, और इसका अर्थ है बराबर चार। तो सोल्व करते हैं, सात में जो कितना हो गया, पैंतीस माइनस चार प्लस दो, तो पैंतीस और दो सैंतीस, सैंतीस में से चार गए तो, सैंतीस में से चार गए तो तैंतीस, है ना, तो ये हो गया तैंतीस बराबर चार, ये भी बराबर नहीं है, तो ये ऑप्शन भी अपना गलत है। थर्ड ऑप्शन है तीन का, तीन दे रखा है, नीचे जो एरो दे रखा है इसका अर्थ क्या होता है, गुणा, गुणा छः, ऊपर वाले का अर्थ क्या है, भाग। फिर दो दे रखा है, इधर जो राइट साइड है उसका प्लस में है, प्लस तीन, इधर वाले का क्या है, माइनस, और तीसरा का दे रखा है बराबर है छः, तो इसका अर्थ छः आना चाहिए। तो करते पहले सोल्व करते हैं, भाग, छः में दो का भाग दिया तो तीन, कितना हो गया तीन, तीन को तीन से गुणा कितना हो गया नौ, तो नौ प्लस तीन, अच्छा यहाँ पर तीन दे रखा है इसके बाद में छः दे रखा है, नौ ये हो गया, प्लस का तीन हो गया और माइनस का छः बराबर छः, तो ये कितना हुआ, नौ और तीन कितना हो गया बारह, बारह में छः गया तो छः बच गया, यानी छः बराबर छः, यानी ये वाला ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। देखो कैसे किया, छः में दो का भाग दिया तो तीन, तीन को तीन से बनाया तो मैंने नौ लिख दिया, फिर यहाँ प्लस तीन है तो प्लस तीन, माइनस छः है तो माइनस छः, बराबर का छः दे रखा है, नौ और तीन कितना हो गया बारह, बारह में छः गए तो छः बच जाएंगे, यानी छः बराबर छः हो गया। यही हमें लाना था कि दोनों साइड अपना बराबर होना चाहिए, है ना, दोनों साइड की वैल्यू बराबर, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, तो ये वाला ऑटोमेटिक हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत यूजफुल लगी होगी, तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना।